बनारसी अखाड़ा चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम लोग हैं हथवा मार्केट में और दुर्गा महोत्सव की तैयारियां यहां पे चल रही हैं। और पंडाल आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़ोरों शोरों से बनाया जा रहा है, और इसीलिए आज हम लोग यहां पहुंचे हैं। और क्या अपडेट्स चल रही हैं दुर्गा पूजा की तैयारियों और पूजा पंडालों को लेकर, इसको देखने के लिए आप बने रहिए बनारसी अखाड़ा यूट्यूब चैनल पर। आप देख सकते हैं कि लगभग 60% काम हो चुका है। तेज है भैया आपका। तो ये अंदर से आप पूजा पंडाल को आप देख सकते हैं, तैयारियां खूब जोरों से चल रही हैं। ये है स्टेज जहाँ पे माँ दुर्गा जी का सिंहासन होगा। हर बार की तरह इस बार भी एक यूनिक आइडिया के साथ हथवा मार्केट में पूजा पंडाल की तैयारियां हो रही हैं। आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे तैयारियाँ खूब जोर पे हैं। तो अभी एक हमको इन्फॉर्मेशन मिली है कि डॉक्टर संजय गुप्ता जी के देखरेख में, कोषाध्यक्ष हैं, उनके देखरेख में ये पंडाल बनाया जा रहा है। और सर क्या बताएं, कर्नाटका का एक मंदिर है, मुर्देश्वर महादेव मंदिर कर्नाटका में है, तो उसी की रेप्लिका है जो इस बार यहाँ पे बनारसियों को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मछोदरी पार्क में। यहाँ पे पूजा पंडाल अभी काफ़ी बचा हुआ है और लगभग 50% काम ही यहाँ पे हुआ है। और देखते हैं अंदर से क्या स्थिति है। हथवा मार्केट की स्थिति तो काफ़ी अच्छी थी, वहाँ पे लगभग काम 60-70% हो गया था। यहाँ पे अंदर का काम तो काफ़ी वो लग रहा है कि अंदर काफ़ी तैयारियाँ हो चुकी हैं। यहाँ पे मूर्ति पे भी काम चल रहा है, मूर्तियाँ यहाँ पे खुद यहाँ पे तुरंत बनाई जाती हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे काम ना कंप्लीट नहीं हुआ है और मूर्ति बोलने का थोड़ा सा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि मतलब अभी आप इसको दिखाइए नहीं, ऐसा यहाँ के ओनर के द्वारा कहा गया है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं, और यहाँ का थीम ये है कि BHU का जो विश्वनाथ टेम्पल है उसको इस बार यहाँ पे बनाया गया है, जो बाहर से लग भी रहा था। चलिए दोस्तों अब चलते हैं शिवपुर मिनी स्टेडियम जहाँ पे अयोध्या का राम मंदिर बनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं वहाँ का क्या स्थिति है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं शिवपुर मिनी स्टेडियम में, और यहाँ पे जो ये पंडाल बन रहा है उसकी तैयारी है अयोध्या का में जो राम मंदिर बन रहा है उसी का ये पंडाल बनाया जा रहा है। यहाँ पे भी तैयारी लगभग जोरों पे है, और फिलहाल यहाँ पे भी अभी 50-60% काम ही अभी पूरा दिख रहा है। एक समय था कि हथवा मार्केट जो था बनारस में सबसे बड़ा
पूजा पंडाल बनाया करता था। अब लेकिन जो ये मिनी स्टेडियम है यहाँ पे इनका इतना भव्य पूजा पंडाल बनाने का कारण भी है कि इनको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। और हथवा मार्केट में कमर्शियल मार्केट होने की वजह से उसको स्पेस नहीं मिल पाता, इसलिए उसने में भी उस पूजा समिति ने अपने पंडाल को छोटा किया है। अंदर से फिलहाल कुछ देखते हैं कि क्या स्थिति है। ये देखिए दोस्तों, ये अंदर जाने का रास्ता बनाया गया है। अभी फिलहाल इसमें बिहार का सारे मुसलमान वहां चला गया, सारे गाजीपुर के मुसलमान यहां भी तो बहुत ज्यादा है, गाजीपुर के मुसलमान भी बहुत है। हाँ देखिए दोस्तों, तैयारी यहाँ पे जोरों शोरों से चल रही है। मूर्ति भी लगभग आकार ले चुकी है। ये यहाँ की मूर्ति जी, ये दुर्गा जी की प्रतिमा है। अंदर का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया गया है और लगभग यहाँ पे काम पूरा भी हो गया है, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं इसलिए लोग तैयारी जम के कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ पे मूर्तियाँ यहाँ खुद बनाई जाती हैं, मतलब बाहर से खरीद के लाई नहीं जाती हैं, यहाँ पे ही कारीगर लगते हैं और मूर्तियाँ बनाते हैं। ये देखिए माँ की मूर्ति है, काफ़ी भव्य लग रही है देखने में। तो दोस्तों, आई होप दुर्गा पूजा पंडाल की तैयारी पे बना ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.